हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एडेनियम हैक्स, एडेनियम सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो मैं खुद अप्लाई करता हूं और अब आप भी अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद आपके एडेनियम प्लांट कभी मरेंगे नहीं, मर रहे होंगे तो आप उनको सेव कर लेंगे। उनके ऊपर ग्राफ्टिंग कैसे करनी है, उनकी सॉइल मिक्स कैसे रखनी है, पानी कैसे देना है, रेनी सीजन में किस तरह से बचाना है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड फाइनली दोस्तों, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा ट्री सेलर को, जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है। और उन्होंने एक हमें बॉक्स भी सेंड करा है, जिसको मैं अनबॉक्स करके बताऊँगा और सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर वन, एडेनियम बॉन्साई। और यहाँ पर दोस्तों, आप एडेनियम को एज ए बॉन्साई ग्रो कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना और आपका एडेनियम हेल्दी रहेगा और फ्लावर भी बहुत ज़्यादा देगा। बॉन्साई बनाने के लिए आपको एक बॉन्साई ट्री की ज़रूरत है। और सबसे पहले आपको आपका एडेनियम एक बड़े से पॉट के अंदर से निकालना होगा और छोटे पॉट में ट्रांसफ़र करना होगा। रूट्स को अच्छे से साफ करना और ध्यान रखना आपकी रूट्स बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए। और ये रहा हमारा एडेनियम फ्री फ्रॉम सॉइल। अब यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है, उसका एक शेप एक बॉन्साई जैसा ही नज़र आ रहा है। बॉन्साई ग्रो करने के लिए आपको एक बॉन्साई ट्री की ज़रूरत होगी, जिसकी डेप्थ नियरली 3 से 4 इंचेस के आसपास होती है। ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसी ट्री ही आप परचेज करके लाना। ट्रे में सबसे पहले हम हमारे प्लांट को रख कर देखेंगे उसकी बेस्ट पोजीशन क्या रहती है, और उसके बाद आप उसके अंदर मिट्टी भर के उसको सेट कर दीजिए। एक बॉन्साई ट्री के लिए सॉइल मिक्सचर बहुत अलग रहेगा, तो यहाँ पर 50% हमने सॉइल ली है, 25% हमने सैंड ली है और 25% कंपोस्ट ग्रोथ के लिए। अब बेस कैसे प्रिपेयर करना है वो देख लीजिए। आपको ड्रेनेज होल कवर करना है और उसके बाद कुछ बजरी डालनी है, ताकि एक्स्ट्रा वाटर हमेशा ड्रेन हो जाए। अब बजरी के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, जिससे हमारे रूट्स को एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए। और उसके बाद हम हमारे एडेनियम प्लांट को लगाएंगे और बस सॉइल मिक्स भर देंगे। अब यहाँ पर टूल की हेल्प से आप एयर पॉकेट्स को ख़त्म कर दीजिए। पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे रूट्स टूटे ना। और उसके बाद वाटर स्प्रिंकल करें और आपका एडेनियम प्लांट रेडी है। एक दो दिन के लिए आप इसको शेड में रखिए और उसके बाद ये सनलाइट में रखने के लिए रेडी है। नंबर टू, एडेनियम प्रूनिंग। और दोस्तों, एडेनियम प्लांट की प्रूनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। यहाँ पर कुछ एडेनियम ग्राफ्टेड है और कुछ नॉन ग्राफ्टेड है, बट सभी में फ्लावर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आते हैं। बट अभी दोस्तों, इनकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है और फ्लावर आ भी रहे हैं, तो सही ढंग से हमारा प्लांट खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा है और फ्लावर भी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ब्रांचेस लिमिटेड हो गई है। तो प्रूनिंग करने से हमें दो बेनिफिट होते हैं। एक तो प्लांट हमारा कॉम्पैक्ट रहता है, ब्यूटीफुल दिखता है, ज़्यादा लीव्स आती है और इसके अंदर फिर फ्लावरिंग की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे इन सारे डेजर्ट रोज़ की प्रूनिंग का सही समय क्या है, वो है दोस्तों फरवरी का मंथ। बट दोस्तों, आप किसी भी मंथ में इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आप रेनी सीजन में इनकी प्रूनिंग कर रहे हैं, तो प्लांट को शेडी एनवायरमेंट में रखना होगा, जब तक इनके अंदर नई ब्रांच नहीं आ जाती। प्रूनिंग करने के बाद आपको साफ फंगीसाइड का यूज़ करना है, इससे आपके एडेनियम प्लांट हेल्दी रहेंगे और कोई भी ब्रांच कट करी हुई सड़ेगी नहीं, आगे गलेगी नहीं। तो सिंपली एक ब्रश की मदद से आप फंगीसाइड लीजिए और सारे प्लांट के ऊपर लगा दीजिए। नियरली 7 डेज के बाद आपको एडेनियम प्लांट में न्यू ग्रोथ नज़र आने लग जाएगी। और यहाँ पर जहाँ सिर्फ एक ब्रांच थी, अब वहाँ पर 3 से 4 ब्रांचेस आ रही है आफ्टर 45 डेज। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे सारे एडेनियम कितने ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं। और दोस्तों, अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो इनको हमने इंडोर रखा हुआ है, बट यहाँ पर आप सारी प्लांट्स की हेल्थ देखें। जहाँ सिर्फ 1-2 ब्रांच थी, अब यहाँ पर मल्टीपल ब्रांच ग्रो हो चुकी है और हमारे एडेनियम और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। चलिए अनबॉक्स करते हैं हमारे इस पार्सल को और चेक करते हैं हमारे पास कितने ग्राफ्टेड एडेनियम आए हैं। एडेनियम प्लांट आज भी रेयर प्लांट के अंदर आता है, अगर वो ग्राफ्टेड हो और उसका एक फ्लावर यूनिक हो तो। दोस्तों, अगर आपको एडेनियम प्लांट परचेस करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल दे रहा हूँ। आप व्हाट्सएप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू या फिर फेसबुक पेज के थ्रू उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप एक हेल्दी और आपका फेवरेट एडेनियम खरीद सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में जितने भी मैंने फ्लावर शो करे हैं, वो सारे ट्री सेलर की तरफ से ही थे। और आपको एक फार्म विजिट भी करवाऊंगा मैं, एक छोटा सा क्लिप, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इनके पास कितना ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक अवेलेबल है। फार्म देखने से पहले आप देखें किस तरह से एडेनियम को पैक किया जाता है लार्ज क्वान्टिटी में, जिससे आप तक ये एकदम हेल्दी और सेफली पहुँच जाए। ये है दोस्तों ट्री सेलर के एडेनियम फार्म, काफ़ी ज़्यादा एडेनियम कलेक्शन इनके पास अवेलेबल है। ये बियर रूटेड एडेनियम निकाल के रखे हुए हैं, ताकि इनको जल्दी से जल्दी शिप करा जाए, और सारे एक साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहे हैं।
हमारे पास जो एडिनियम आए हैं उनके कॉर्टेक्स भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत अच्छे से किया गया है और हर एडिनियम के ऊपर एक नेम टैग लगा हुआ है जिससे आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फर्स्ट 500 ऑर्डर पर आपको 110 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और नो मिनिमम ऑर्डर है और आपका कूपन कोड है ONE110। आप फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करें और इस कूपन कोड का यूज़ करें। जितना जल्दी आप यूज़ करेंगे उतना जल्दी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको एग्जॉटिक एडिनियम परचेस करने हैं तो वो भी अवेलेबल है और उनका कलर काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी है। पॉइंट नंबर 3, एडिनियम सॉयल मिक्स। और दोस्तों यहाँ पर एडिनियम के लिए सैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाटर को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करता है, तो यहाँ पर सॉयल मिक्स जो बनेगा वो बहुत यूनिक होगा। तो कहने को तो सॉयल मिक्स है बट एक्चुअल में ये सैंड मिक्स बनेगा, तो 2 पार्ट ऑफ सैंड लेना है, 1 पार्ट नॉर्मल गार्डन सॉयल रहेगी एंड 2 पार्ट आप कंपोस्ट यूज़ करेंगे, काउडंग कंपोस्ट या फिर फर्मी कंपोस्ट। सॉयल मिक्स को अच्छे से मिक्स करिए और उसके बाद आपको इसमें डालना है फंगीसाइड। एक बड़ा सा टेबल स्पून लीजिए और सॉयल मिक्स में अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिए और उसके बाद ये रेडी है दोस्तों एडिनियम प्लांट के लिए। अगर आपने ऑनलाइन एडिनियम परचेस करा है तो आपको सेम मेथड यूज़ करना है जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, वैसे ही आपको ग्रो करना है। एक छोटा सा पॉट लेना है 6 to 8 इंचेस का और उसमें आपको अपना एडिनियम प्लांट लगाना है और बेस पर दोस्तों आप डालेंगे क्ले बॉल्स, इससे वाटर बिल्कुल भी लॉग नहीं होता है बेस पर और आपका एडिनियम बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। अब क्ले बॉल्स के साथ साथ आप इसमें बजरी भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ भी अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब फाइनली सॉयल मिक्स भर दीजिए और आपके एडिनियम का कॉर्टेक्स अगर मोटा करना है तो उसको एडिनियम को ऊपर की तरफ ग्रो करना जिससे वो और ज़्यादा रूट अपनी फैला सके और अपना कॉर्टेक्स और ज़्यादा बड़ा कर सके। सारे एडिनियम ग्रो हो चुके हैं, अब हल्का हल्का सा वाटर डालेंगे जिससे प्लांट के अंदर फिर से एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा और वो फिर से अपनी रूट्स सेट करने लग जाएगा। फाइनली सारे एडिनियम सेट हो चुके हैं और एक एडिनियम ने तो अपना फ्लावर भी दिखा दिया और काफ़ी खूबसूरत भी है ये। नंबर 4, एडिनियम ग्राफ्टिंग। और दोस्तों जनरली दो तरह की ग्राफ्टिंग की जाती है, एक तो फ्लैट ग्राफ्टिंग होती है और एक वी ग्राफ्टिंग होती है, बट एडिनियम प्लांट में जनरली फ्लैट ग्राफ्टिंग ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। तो अपने टूल को स्टरलाइज कर लीजिए और जिस ब्रांच पर ग्राफ्ट करना है वहाँ पर एक फ्रेश कट लगाइए और एक दूसरे प्लांट से आप एक छोटी सी कटिंग लेकर आइए और उसके ऊपर आपको प्रेस करना है और बस टाई अप कर दीजिए एक ग्राफ्टिंग टेप की मदद से। आप देख रहे हैं ना किस तरह से हमारे इस छोटी सी कटिंग को ग्राफ्टिंग टेप की हेल्प से यहाँ पर प्रेस करके रखा है और बस आप अच्छे से इसको टाई अप कर दीजिए। एयर का बिल्कुल भी फ्लो नहीं होना चाहिए, इससे आपकी ग्राफ्टिंग 100% सक्सेसफुल रहेगी। एंड फाइनली छोटी सी पॉलीथीन से आप उसको कवर कर लीजिए, इससे दोस्तों टेम्परेचर मेंटेन रहता है और आप ग्राफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा हद तक सक्सेसफुल रहती है। और हमारी ग्राफ्टिंग को नियरली 1 साल हो चुका है और ये रहा इसका रिजल्ट, हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और अब यहाँ पर आप लीफ का कलर भी देख सकते हैं, दोनों लीफ अलग अलग शेप एंड साइज़ की है। एडिनियम हैंड पॉलिनेशन। अब यहाँ पर दोस्तों पॉलिनेशन का सिंपल सा रूल है, आपको पॉलन ग्रेन लेने हैं और स्टिग्मा के ऊपर लगाने हैं, बहुत इजी होता है, आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। एडिनियम के फ्लावर के स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन दोनों ही फ्लावर के एंड में होते हैं, इसलिए हमें इसको एंड तक कट करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सॉफ्ट हाथों से आपको उसे कट करना है। अब टूथपिक की हेल्प से आपको स्टिग्मा और पोलन ग्रेन को मिलाना है, तो स्टिग्मा ये जो ग्रीन कलर की डंडी दिख रही है फ्लावर के सेंटर में वो स्टिग्मा है और उसी के ऊपर हमें पोलन ग्रेन मिल जाएंगे। पोलन ग्रेन बहुत छोटे होते हैं, इजीली नज़र नहीं आते हैं, तो आप टूथपिक की हेल्प लीजिए और बस सारे पोलन ग्रेन लीजिए और अपने स्टिग्मा के ऊपर लगा दीजिए, है ना बहुत सिंपल सा प्रोसेस। बस अब अपने फ्लावर को फिर से बंद कर दीजिए। चलिए मैं 2 फ्लावर पर और करके बताता हूँ। अगर आपको पोलन ग्रेन नज़र नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके टूथपिक के ऊपर चिपक गए हैं और बस आपको उस पोलन ग्रेन को लेना है और अपने स्टिग्मा के ऊपर लगाते रहिए, आपका काम बहुत इजी वे में हो जाएगा। अगर आपको सीड्स चाहिए तो फ्लावर को सेक्रीफाइस तो करना ही होगा, तो चलिए एक खूबसूरत से फ्लावर को सेक्रीफाइस करते हैं, इसको कट करते हैं और इसके भी पोलन ग्रेन को स्टिग्मा से मिला देते हैं। देखें आप टूथपिक की मदद से पोलन ग्रेन लीजिए और यहाँ पर स्टिग्मा का कलर आप देख सकते हैं पिंक कलर का है, तो बस आपको उस स्टिग्मा के ऊपर अपने पोलन ग्रेन लगा देने हैं और आपका काम हो गया।
और कुछ समय के बाद कुछ ऐसी दो फलियां निकलने लग जाएगी जिसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, जिससे इनके अंदर सीड डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। तो प्लांट के अंदर वाटर कम डालना है और प्लांट को सेफ जगह पर रखना है। एंड फाइनली जब आपकी फलियां 6 to 7 inches की हो जाए, उनको टाई अप करके रखिए और जब वो ड्राई हो जाए तो वो रेडी टू ग्रो है। नंबर 6, एडेनियम सीडलिंग। जब आपके एडेनियम के सीडलिंग मैच्योर हो जाते हैं तो उनको ग्रो करना ज़रूरी होता है विद इन 1 year, नहीं तो फिर आपके सीड्स एक्सपायर हो जाएंगे। सीडलिंग ग्रो करने के लिए आपको एक छोटा पॉट लेना है और सीडलिंग के लिए एक अलग सॉइल मिक्स रहता है। सबसे पहले ड्रेनेज होल होना चाहिए और उसके ऊपर आप एक स्टोन लगा दीजिए जिससे आपका सॉइल मिक्स बाहर नहीं निकले। अब आप क्ले बॉल या फिर बजरी डालकर उसको फिल कर लीजिए नियरली 25%। सीडलिंग सॉइल मिक्स के लिए आपको 50% वर्मिक कंपोस्ट लेना है और 50% कोकोपीट। बेस्ट सॉइल मिक्सचर है और आपके सीडलिंग जल्दी ग्रो होते हैं। हम नियरली 5 to 10 सीड्स ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पर हर सीड्स को एक राइट डिस्टेंस पर ग्रो कर रहे हैं। आप चाहे तो सीड्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं और उसके बाद एक सॉइल मिक्स की लेयर ऊपर डाल दीजिए नियरली 1/2 inches की और वाटर डालकर एडेनियम को ग्रो करने के लिए छोड़ दीजिए। नियरली 8 to 10 days के बाद ही आपके एडेनियम सीड्स ग्रो हो जाएंगे और इनको आपको दोस्तों फुल सनलाइट में नहीं रखना है, आपको सेमी शेड एनवायरनमेंट में रखना है जिससे इनकी ग्रोथ बूस्ट रहे। पॉइंट नंबर 7, फंगीसाइड इन रेनी सीजन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप एडेनियम प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो आपको फंगीसाइड डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एडेनियम की लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए। फंगीसाइड को आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले पानी में मिक्स करके या फिर उसको डायरेक्टली आप पॉट में स्प्रिंकल कर सकते हैं। पानी में मिक्स करके ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो 1 tablespoon लीजिए और नियरली 2 liters ऑफ वाटर में आप उसको मिक्स कर सकते हैं। पानी में मिक्स करा हुआ फंगीसाइड आप एडेनियम की रूट्स में डायरेक्टली डाल सकते हैं, इससे प्लांट की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव रहती है और जितना भी फंगस प्रॉब्लम होता है वो फटाफट से दूर भाग जाता है। आप छोटे से छोटे एडेनियम में भी इसको डाल सकते हैं। अब दूसरे मेथड में आप 1/2 tablespoon लीजिए और उसको नियरली 8 to 10 inches के पॉट में ईजिली स्प्रिंकल कर सकते हैं। चारों तरफ स्प्रिंकल करें और बस उसमें वाटर डाल दीजिए जिससे वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए और फंगस प्रॉब्लम फर्दर नहीं हो।